हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल हमने अभी तक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स डाइजेशन ऑफ़ फैट्स के बारे में बात की थी आज की क्लास में हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ़ न्यूक्लिक एसिड देन हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या जी आई ट्रैक्ट भी देखेंगे उसके बाद हॉर्मोन्स ऑफ जी आई ट्रैक्ट पेरिस्टालसिस के बारे में बात करेंगे एंड देन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे और आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन एंड आब्जॉर्बसन ये कंप्लीट हो जाएगा सो so, आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में न्यूक्लिक एसिड्स भी एक माइनर कंपोनेंट बनाते हैं हमारी डाइट का अगर बकर कैविटी की बात करें तो नो डाइजेशन देन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए तो इनको तोड़ने के लिए डी या फिर आर एंजाइम होते हैं डी को अगर डाइजेस्ट करना है तो डी एन और आर को अगर डाइजेस्ट करना है तो आर एंजाइम होते हैं जो कि पेंक्रेटिक जूस में होते हैं सो so पहला पॉइंट देखते हैं पेंक्रेटिक जूस कंटेंस टू न्यूक्लेजिस कौन कौन से राइबो या फिर इसको आर भी बोलते हैं हम लोग आर एंड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लेजिज दैट इज डी आपको पता है कि डीएनए के अंदर डी ऑक्सी शुगर होती है आर के अंदर राइबोज़ शुगर होती है सो so, इनको राइबो भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं या फिर डी या डी क्लियर है बात देन दूसरा हम पॉइंट ये बोलेंगे कि ये जो डी हैं आर हैं इनको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज को जो एंजाइम है न्यूक्लोटाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज होता है और न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टिनल चूज में देन हम देखते हैं द न्यूक्लियोटाइड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ टू न्यूक्लियज जब ये टूटेंगे तो क्या बनेंगे आर फर्दर डाइजेस्टेड बाई ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स दैट इज न्यूक्लियोटाइज न्यूक्लियोटाइडिज एंड न्यूक्लियोसाइडेजिज दो एन्जाइम्स होते हैं न्यूक्लोटाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लोटाइडेजिज़ एंड न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्ोसाइडिजिज अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्लस शुगर वो होता है न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट अगर हो गया तो बना लेता है न्यूक्लियोटाइड ठीक है सो so, न्यूक्लियोटाइड जब टूटेगा तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा ठीक है फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऑब्जॉर्व हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि पेंक्रेटिक जूस में क्या होते हैं न्यूक्जिज होते हैं कौन कौन से राइबोन्यूक्ज एंड ड्यूक्सी राइबोन्यूक्ज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देन हम ये बोलेंगे ये कहाँ पे है पेंक्रेटिक जूस में और जो न्यूक्लियोटाइडिजिज और न्यूक्लियोसाइडिजिज हैं ये कहाँ पे होते हैं ये होते हैं आपके इंटेस्टिनल जूस में आपको ध्यान रखना है ठीक है न्यूक्लोटाइडीजीज एंड न्यूक्लोसाइडीजीज आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस क्लियर है बात अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ जी ट्रैक्ट अगर एलिमेंट्री कैनाल को हम ट्रांसफर सेक्शन में कट करके देखें तो अगर इनसाइड टू आउटसाइड की बात करें तो वहाँ पे फोर लेयर्स होती हैं बेसिकली कौन कौन सी इनरमोस्ट जो है वो होती है म्यूकोसा देन उसके बाद में सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा के बाद में सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडल मसल मसल की एक लेयर एंड देन आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं सिरोसा ये सीक्वेंस मैंने पहले भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार ये सीक्वेंस ही आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है सो so, हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ जी ट्रैक्ट जिसमें जो मोस्ट है वो कौन सी है म्यूकोसा सो so, आपको ध्यान रखना है ये म्यूकोसा ये जो म्यूकोसा है ये किससे मिल बनी है कंसिस्ट ऑफ एपीथीलियम एपीथीलियम होता है यहाँ पे देन लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा ठीक है एपिथीलियम होगा वो कैसा होगा कोल्यूमर टाइप का बस सिर्फ यही ध्यान रखना है जो कि सिगरेटरी होता है नेचर में एपिथीलियम इज कोल्यूमर विच इज सिगरेटरी इन नेचर देन जो लेमिना प्रोप्रिया है उस उसके अंदर क्या होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रजेंट होते हैं ठीक है देन मस्कुलेरिस जो म्यूकोसा है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं बेसिकली उसके बाद म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स जिनको हम बोलते हैं रोगे हमने स्टमक में पढ़े थे गैस्ट्रिक रोगे ऐसे ही जो म्यूकोसा है वो इरेगुलर फोल्ड्स करती है रोगे इन स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिनको हम बोलते हैं विलाई वो कहाँ पे होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में सो so, रोगे कहाँ होते हैं स्टमक के अंदर एंड विलाई कहाँ होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक सिंगल विलेस का स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ विलाई बोलते हैं हम प्लूरल को और विलस होता है सिंगुलर अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखें ये एक है सिंगल विलस ठीक है सो तो उसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं कोल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उनके ऊपर भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये एक है विलस का स्ट्रक्चर या विलाई जिसको बोलते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर मैं अब इस एक स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बोलूँगा कि इस टाइप से ये होते हैं माइक्रो विलाई। और आप जानते हो कि विलाई और माइक्रो विलाई जो है वो क्या करते हैं जो एरिया है ऑब्जॉर्प्शन का उसको इंक्रीज कर देते हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्ज़ॉर्पसन इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है एक एक सेंट्रल लिम्फ वेसल होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था लेकटियल ठीक है हमने विलेज का जब स्ट्रक्चर बताया था सो हमने ये भी बताया था कि एक सेंट्रल लिम्फ वेसल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं लेक्टियल जहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन कौन कौन से होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं लेक्टियल के अंदर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन आर अब्जॉर्ब्ड सो क्लियर है बात आपको यहाँ तक सो so, एक लाइन लिखी हुई है कि विलई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टेल अभी हमने बात की थी जहां पे क्या होते हैं फैटी एसिड के जो जो फैट्स के एंड प्रोडक्ट्स हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो अब्जॉर्व होते हैं ठीक है देन म्यूकोजल एपिथिलियम हैज गोबलेट सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं गोबलेट सेल्स होती हैं जो क्या सिक्रेट करती हैं बेसिकली दे सिक्रेट म्यूकस जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ठीक है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गोबलेट सेल्स क्या सीगरेट करती हैं म्यूकस सिगरेट करती हैं देन म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन स्टमक जो म्यूकोसा है वो ग्लैंड्स भी बनाती है जिनको हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ठीक है स्टमक में क्या बनाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगी एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाती है क्रिप्ट बनाती है जिनको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबर कॉन ये भी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है कि म्यूकोसा जो है स्टमक के अंदर ग्लैंड्स बनाती है जिनको बोलते हैं क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन इन इंटेस्टाइन देन जी आई ट्रैक्ट का खुद का नर्वस सिस्टम होता है हेज़ इट्स ऑन नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसमें क्या क्या होता है कुछ प्लेक्सिस होते हैं बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे मिजनर्स प्लेक्सिस हो गए देन माई एंटेरिक प्लेक्सिस हो गए देन इंटरसिशियल सेल्स ऑफ कजाल और इन सभी के अंदर एक एबिलिटी होती है क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की दिस ऑल हैव द एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्लियर है बात म्यूकोसा के बाद कौन सी लेयर होती है सब म्यूकोसा देन उसके अंदर क्या होगा सब म्यूकोसा हैज़ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एरियलर कनेक्टिव टिश्यू होता है नर्व्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं लिम्फ वेसल्स होती हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं सो so, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि डोडनम में डोडनम किसका पार्ट है विच इज ए पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ड्योडनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर इनको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन आपको मिल जाएगा डोएडनम देन स्टमक इसोफेगस इस टाइप से तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन डोडनम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे ठीक है देन हमने भी बताया था कुछ प्लेक्सिस होते हैं प्लेक्सिस का मतलब होता है एक नर्व फाइबर्स का नेटवर्क एक जाल ठीक है सो so, मिजनर्स प्लेक्सिस या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस वो क्या होते हैं इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स दैट इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा एंड सर्कुलर मसल्स कहाँ कहाँ पर होता है सब म्यूकोसा में होगा एंड सर्कुलर मसल्स में होगा और ये क्या रेगुलेट करते हैं इट रेगुलेट दिक्रीशन ऑफ ए डाइजेस्टिव जूस आपको ध्यान रखना है कि मिजनर्स जो फ्लेक्सिस है वो क्या रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को ये रेगुलेट करते हैं बस इतनी ही बात आपको ये ध्यान रखनी है लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे डोडनल डाइजेस्टिव ग्लैंड या ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे फाउंड होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन ए डोडनम क्लियर है सब म्यूकोसा से नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है मसल लेयर मस्कुलेरिस भी बोलते हैं इसको जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं देन आपको पता है स्टमक के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि एक और लेयर होती है ओब्लिक मसल की लेयर भी प्रेजेंट होती है इन स्टमक बिटवीन सब म्यूकोसा एंड सर्कुलर मसल्स ये प्रेजेंट होती है देन एक और प्लेक्सिस होता है औरबैक्स प्लेक्सिस या फिर इसको बोलते हैं माई एंटेरिक प्लेक्सिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक नर्व फाइबर्स का नेटवर्क होता है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये भी आपको ध्यान रखना है औरबैक्स प्लेक्सिस या माई एंटेरिक प्लेक्सिस प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्लियर है देन लास्ट लेयर जो आउटरमोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिरोसा इट इज आउटरमोस्ट लेयर किससे मिलके बनती है थिन मिजोथीलियम से मिलके ये बनी हुई होती है जिसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं देन एक टर्म और आता है मिजेंट्री ये क्या होती है ये एक कनेक्टिव टिश्यू की फोल्ड होती है ठीक है जो किसको कनेक्ट करती है बेसिकली इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल के साथ ही कनेक्ट करती है इट इज ए फोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स इंटेस्टाइन टू द एब्डोमिनल वॉल अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ जी आई ट्रैक्ट के बारे में अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ जी आई ट्रैक्ट सो so, जो हमारी जीआई ट्रैक्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम डीईएस बोलते हैं दैट इज़ डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम अब ये क्यों बोलते हैं क्योंकि सर्जिकल रिमूवल या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन सेल्स को जो रिमूव करना है बहुत कठिन होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सेल्स जो है वो डिस्पर्सड होती हैं सो so, अगर आपको कोई कहे कि हॉर्मोन सिगरेटिंग सेल्स को आप बाहर निकालो तो ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पोसिबल काम हम बोल सकते हैं इसको ठीक है सो so, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम द जी आई ट्रैक्ट इज डी ई एस दैट इज डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकॉज इट्स हॉमोन सिक्रेटिंग कौन सी सेल्स एंटीरो सेल्स और डिस्पर्सड थ्रूआउट द सिस्टम कौन सी सेल्स होती हैं एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स लेकिन आपको ये ध्यान रखना है डी ई एस दैट इज डिफ्यूज एंडोक्राइन सिस्टम और एक क्यों बोलते हैं क्योंकि उन सेल्स का रिमूवल बहुत मुश्किल होता है देन हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं लाइक सिक्रेटिन हो गया गेस्ट्रिन हो गया सी सी के पी जेड भी पढ़ेंगे हम ठीक है विलिकाइनिन हो गया तो ये सब हम पढ़ेंगे सबसे पहला है गेस्ट्रीन आपने पहले भी पढ़ा था कि गेस्ट्रिन इज सिक्रेटेड बाई कौन सी सेल्स जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक आपको पता है स्टमक के कौन कौन से ग्लैंड्स थे कार्डियक पाइलोरिक और फंडिक ठीक है और ये क्या करती हैं बेसिकली दे सिक्रेट द गेस्ट्रिक जूस गेस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन में ये हेल्प करती हैं देन सिक्रेटिन इज सिक्रेटिड बाई ड्योडनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देन ये क्या करता है इट्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रेटिक जूस दैट इज रिच इन बाई कार्बोनेट आयंस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सिक्रेटिन क्या करता है इट्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रेटिक जूस विच इज़ रिच इन बाईकार्बोनेट आयंस ठीक है देन हम बात करते हैं सी सी के पीजेड जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन ये क्या करता है इट टीमुलेट द सिक्रीसन ऑफ पेंक्रेटिक जूस दैट इज रिच इन एंजाइम्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है अभी हमने इससे पहले पढ़ा था सिक्रेटिन के बारे में सिक्रेटिन में हमने देखा था कि इट्स रिच स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ पेंक्रेटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट आयंस जो बाइकार्बोनेट आयंस में रिच था लेकिन ये सी सी के पीजेड जो है ये सिक्रीशन रिच इन एनजाइम्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लेटर एंड रिलीज ऑफ बाइल जूस ठीक है देन नेक्स्ट हमारा जो हॉर्मोन है वो है एंटीरो गेस्ट्रॉन या फिर इसको जी आई पी भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है गैस्ट्रिक इन्हीबिटरी पेप्टाइड सो इट इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस नाम से पता चल रहा है ठीक है सो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीसिन को ये इनहिबिट कर देता है सो सी सी के पीजेड एंटीरोगेस्ट्रॉन मोटिलिन ये सारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं दे आर सिक्रेटेड बाई स्मॉल इंटेस्टाइन ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है देन नेक्स्ट हमारा हॉर्मोन है मोटिलिन मोटिलिन क्या करता है नाम से पता चल रहा है कि मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा इट इंक्रीजिज द स्टमक मोटिलिटी क्लियर है इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाई स्मॉल इंटेस्टाइन देन हमारा एंटीरोक्राइनिन जो क्या करता है स्टिमुलेट द दिक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस देन विल इन इट स्टिमुलेट्स द मोमेंट ऑफ विलाई ये मोमेंट ऑफ विलाई को मे बी को भी उनको स्टिमुलेट करता है बेसिकली सो so, आपको ध्यान सिर्फ पहले तीन जो थे सी सी के पीजेड इससे पहले सिक्रेटिन गेस्टिन इन तीनों को जरूर ध्यान रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन क्यों इनसे बहुत बार फ्रेम हो चुके हैं सो so, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस चैप्टर में से भी ठीक है अब हम बात करते हैं इंटेस्टिनल मोमेंट्स के बारे में तो बेसिकली हमें दो टाइप की मोमेंट पढ़नी है यहाँ पे कौन कौन सी पेरिस्टालसिस एंड देन सेगमेंटल मोमेंट्स सो पेरिस्टालसिस क्या होती है आप ध्यान से सुने कि ये एक इन्वॉलेंट्री वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है इट इज़ एन इन्वॉलेंट्री वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जो विच पासिस फ्रॉम ओरल टू एनल रीजन जो ओरल से एनल रीजन तक पास होती है सो so, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर कि कोई आदमी उल्टा भी हो जाए तो भी ये आगे ही मूव करेगी ऐसा नहीं कि उसका जो स्टमक कॉन्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे वो बाहर नहीं अपने कॉन्टेंट्स को रिलीज नहीं करेगा ठीक है ये होता है पेरिस्टालसिस ठीक है जो बोलस है हमने जो फूड पार्टिकल हमने खाया है वो सीधा नीचे ही जाएगा स्टमक में जाएगा चाहे वो शीर्षासन की पोजीशन में ही क्यों ना हो ठीक है देन इट इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा मेडुला ओब्लोंगेटा जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं लाइक ये सेंटर है पेरिस्टालसिस का भी इट इज़ ए सेंटर फॉर स्नीजिंग कफिंग ये बहुत सारे सेंटर्स जो है मेडोलॉलोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं क्लियर है देन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों होता है कॉन्ट्रैक्शन जो अराइज होता है पेरिस्टालसिस में इट इज़ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का और अगर इसका ऑपोजिट कर दें कि रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्ग्यूटल मसल्स तो वहाँ पे कैसी पोजीशन हो जाएगी रिलैक्सेशन वाली यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है देन रिलैक्सेशन हो जाएगा इससे जस्ट ऑपोजिट ये अगर ध्यान ना भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं बस यहाँ तक आपको ध्यान रखना है देन दूसरा है सेगमेंटल मोमेंट्स ये इंटेस्टाइन में होते हैं बेसिकली सेगमेंटल मोमेंट्स ये क्या करते हैं दे प्रोपेल द फूड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो फूड को आगे भी लेके जाते हैं और पीछे भी लेके जाते हैं एंड दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए होस्ट्रा ये होस्ट्रा की फॉर्मेशन कर लेते हैं होस्ट्रा क्या होते हैं इंटेस्टाइन में कुछ सेगमेंटल कुछ कॉन्ट्रेक्शन होते हैं कंस्ट्रिक्शंस होते हैं देर आर सम कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द इंटेस्टाइन विच आर नोन एज होस्ट्रा उनको हम होस्ट्रा बोलते हैं क्लियर है अब हम बात करते हैं ऑब्जॉर्बसन प्रोसेस के बारे में ऑब्जॉर्पसन क्या होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल जो हमने खाया है उसको इंडस्टिनल लाइनिंग में अब्जॉर्ब कर लेना सो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रो द इंडस्ट्रीनल म्यूकोसा इंटू ब्लड और लिम्फ है ब्लड और लिम्फ में वो ऑब्जॉर्ब होते हैं देन मकैनिज्म ऑफ ऑब्जॉर्बशन की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ कैरिड आउट बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है पेशिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और पेसिलिटेट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी होते हैं कैरिड आउट बाई पेशिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मकानिज़म्स ये सब आपको ध्यान रखने हैं अब हेखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट मकानिज़म होता है जैसे कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं लाइक like ग्लूकोज हो गया अमीनो ऐसिड्स हो गए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उनमें जो ऑब्ज़ॉर्पसन है इट टेक्स प्लेस थ्रो सिंपल डिफ्यूज़न ठीक है देन फ्रैक्टोज वगैरह में और कुछ अमानो ऐसिड्स होते हैं जहाँ पर ऑब्जॉर्पसन कैसे होता है कुछ आयंस की हेल्प से होता है और जहाँ भी ऐसा डिफ्यूज़न हो जहाँ भी ऐसा ऑब्जॉर्बसन हो जो किसी की हेल्प से होता हो तो उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है सो so, यहाँ पे कैसा होगा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कैसे पता लगेगा जब कुछ आयंस वगैरह या कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्लियर है देन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करता है इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितना भी ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है मोस्ट ऑफ़ द ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये बोल सकते हैं आप अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन और जो रेस्ट बच गया वो होता है स्टमक में और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है देन वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन दे आर वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं देन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं वो हम जानते हैं कि इन्सोलेबल होते हैं कैन नॉट बी अब्जॉर्बड सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उनको उनको हम मिसील्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू देन दे आर रिफॉर्म्ड इंटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबल्स तब और उसके बाद उनको क्या क्या करते हैं बहुत छोटे छोटे फैट ग्लोबल्स में रिफॉर्म कर देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं टाइलो माइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इन टू लिम्फ वैसल्स जिसको लेक्टेल भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि लैक्टेल में हमने पढ़ा था विलस के बारे में अभी हमने बताया था कि जो बीच में क्या होती है लैक्टियल जो कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की या फिर जो डिजीज हैं रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम अब हम बात करते हैं डिजीज या फिर डिसऑर्डर्स की सो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है उसकी इन्फ्लामेशन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट मोस्ट कॉमन एलिमेंट होती है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन्स देन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ज्वाइंडिस हो गई जिसको हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं वहाँ पे क्या होता है ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है दैट इज लीवर लीवर ऑर्गन इज़ अफेक्टेड इन केस ऑफ ए जॉन्डिस देन स्किन आइज जो होती हैं दे टर्न येलोविश इन कलर और वो क्यों होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए बाइल पिगमेंट्स बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाता है और बाइल पिगमेंट्स आप जानते हो बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन क्लियर है देन वोमिटिंग वोमिटिंग ऑफ इमेसिस भी बोल सकते हो यहाँ पे क्या होता है इजेक्शन ऑफ ए स्टमक कंटेंट्स स्टमक कंटेंट्स का इजेक्शन होता है थ्रू द माउथ ठीक है ये हो गया वोमिटिंग वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है ये भी मेडोलोबलोंगेटा में ही प्रेजेंट होता है देन डायरिया क्या होता है अब नॉर्मल फ्रीकवेंसी ऑफ ए बाउल मोमेंट्स एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ ए फिकल डिस्चार्ज जो फिकल डिस्चार्ज है उसकी लिक्विडिटी हो जाती है जिस वजह से डायरिया हो जाता है ठीक है नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी कॉन्स्टिपेशन इसमें क्या होता है द फिशिज आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम रेक्टम से एसोसिएटेड आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि जो पेरिस्टालसिस है मिनिमम पेरिस्टालसिस अकर्स इन केस ऑफ ए रेक्टम ठीक है फिशिज आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बाउल मोमेंट्स अकर इरेगुलरली बाउल मोमेंट्स जो है वो इरेगुलरली अगर होते हैं सोफीसी so, जो है वो रेक्टम के अंदर ही रहते हैं ठीक है देन इंडाइजेशन जिसको अपच भी बोलते हैं इसमें क्या होगा फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सक होता यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि मतलब भरा भरा लगेगा पेट जो है वो भरा है हमारा ठीक है लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस ठीक है देन कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर क्या क्या होंगे इनएडिक्ड एंजाइम सिक्रेशन क्या होता है हमने पढ़ाया था कि जब हम कुछ खाते हैं तो लिक्विड्स को हम ये बोलते हैं कि वी शुड ईट द लिक्विड्स हैं एंड ड्रिंक द सॉलिड्स ऐसा क्यों बोला था ताकि किसी चीज़ को हमने इतना चबाना है ताकि एंजाइमेटिक जो है उसके ऊपर अच्छे से एक्शन हो जाए एनजाइम्स जो उसको उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर पाएँ सो एग्जाइटी फूड पॉइजनिंग ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड ये सब रीज़न है इनडाइजेसन होने के सो so, हमने डाइज़ेशन एंड आब्जॉर्बेशन चैप्टर जो है वो बिल्कुल आज कंप्लीट कर लिया है आप वीडियोज को अच्छे से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू